बॉलीवुड एक्टर राजेश खन्ना ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी है। राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में से एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं और राजेश खन्ना का नाम कई बॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी जुड़ चुका है, लेकिन शादी उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से की। अपने रिलेशनशिप के चलते राजेश खन्ना खूब चर्चा में रहा करते थे। एक समय में राजेश खन्ना का नाम एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू से भी जुड़ा था। दोनों के अफेयर और फिर ब्रेकअप की खबरों ने हंगामा मचा कर रख दिया था। 80 के दशक में अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना लव बर्ड हुआ करते थे। राजेश खन्ना का जन्म साल 1942 को अमृतसर में हुआ था। 24 साल की उम्र में राजेश खन्ना ने आखिरी खत से फिल्मों में डेब्यू किया और यह फिल्म साल 1966 में आई थी। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना के पास फिल्मों की लाइन लग गई। फ्लॉप और कुछ हिट फिल्मों के बाद साल 1971 में एक्टर की हाथी मेरे साथी आई, जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। यह उस दौर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। वहीं अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना से बहुत प्यार करती थी और दोनों 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। हालांकि बाद में अंजू का नाम एक क्रिकेटर के साथ जुड़ गया, जिसके बाद राजेश खन्ना का उनसे शादी करने का मन बदल गया। राजेश खन्ना के अलग और लगातार बदलते विचारों ने उनके रिश्ते में बहुत खटास पैदा कर दी थी। वहीं राजेश खन्ना ने एक टैलेंट हंट शो जीतने के बाद बॉलीवुड में एंट्री ली थी। उन्होंने कटी पतंग, सफ़र और दाग जैसी हिट फिल्मों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। खूबसूरत लुक के अलावा उनका हंसमुख अंदाज दर्शकों को बहुत भाया और वे लोगों के प्यारे काका कहलाने लगे। दर्शकों ने उन्हें कई एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए देखा, पर 70 के दशक में शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट थी, लेकिन बाद में शर्मिला ने राजेश खन्ना के साथ काम करना बंद कर दिया। शर्मिला ने कहा था कि काका की जिस चीज़ ने उन पर सबसे ज़्यादा असर डाला है वह था उनका सेट पर लेट आना। वे 9 बजे की शिफ्ट के लिए 12 बजे से पहले नहीं पहुँचते थे, इसलिए उन्होंने दूसरे एक्टर्स के साथ काम करने का मन बना लिया, जबकि वे जानती थी कि उनकी जोड़ी कामयाब थी। शर्मिला और राजेश खन्ना ने आराधना, अमर प्रेम और सफ़र जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। एक्ट्रेस ने कहा कि राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा था कि स्टूडियो के बाहर 9 से 90 साल की लड़कियां उन्हें देखने के लिए लाइन लगाकर खड़ी रहती थीं। वहीं राजेश खन्ना का फिल्मी करियर जितना चकाचौंध से भरा हुआ था, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ में खालीपन था। उन्होंने अपने करियर के पीक पर डिम्पल कपाड़िया से साल 1973 में शादी की, लेकिन वे दोनों 9 साल बाद ही अलग हो गए, क्योंकि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल शादी के बाद फिल्मों में काम करे। शुरू में तो डिम्पल ने उनकी बात मान ली, लेकिन जब कुछ सालों बाद डिम्पल को फिल्मों में काम करने की इच्छा जागी तो वह उन दोनों के अलग होने की वजह बन गई। और इस कपल की 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। और राजेश खन्ना का साल 2012 में कैंसर के चलते निधन हो गया। वहीं राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों को पसंद आती हैं। राजेश की अदाओं पर लड़कियां मर मिटती थीं। उनकी सफ़ेद कार को वे लिपस्टिक से लाल कर देती थीं और जैसी फैन फॉलोइंग राजेश की थी वैसी आज तक किसी की भी नहीं रही है। सिनेमा घर में बैठे दर्शक उन्हें अपना जैसा ही समझते थे और यही जुड़ाव उन्हें इस कद का सुपरस्टार बनाता है। ऐसे गजब के कलाकार राजेश खन्ना ने सक्सेस के साथ साथ खूब पैसा भी कमाया और करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बने, लेकिन अपने पारिवारिक मसलों को लेकर भी वह कम चर्चा में नहीं रहे हैं। डिम्पल कपाड़िया से उनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खास नहीं रही। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी। कुछ उम्र का फासला, कुछ राजेश की आदतें ऐसी रही कि इनकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशनुमा नहीं रह सकी, जबकि राजेश से शादी होने के बाद डिम्पल खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मानने लगी थी। राजेश और डिम्पल 2 बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के माता पिता बने, लेकिन इनका परिवार बिखर गया। समय के साथ साथ राजेश खन्ना का स्टारडम फीका पड़ने लगा और अमिताभ बच्चन का जमाना आ गया। कुछ राजेश का खड़पन, कुछ अपनी तरह से जीने का अंदाज ऐसा रहा कि रिश्तों की टूटन और फिल्मों में मिली असफलता ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया और वे डिप्रेशन में रहने लगे। और साल 2011 में राजेश की तबीयत अचानक बिगड़ी तो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और जब उनका चेकअप हुआ तो उन्हें कैंसर निकला। उनका बहुत इलाज चला और अंत समय भी करीब आ रहा था। कैंसर उन्हें खाता जा रहा था और अपने आखिरी पलों में राजेश खन्ना खामोश रहते थे। वे बस यही चाहते थे कि उनकी बेटियां उनकी आंखों के सामने रहें। ट्विंकल कम आ पाती थीं क्योंकि वह प्रेग्नेंट थीं, लेकिन रिंकी हमेशा उनके पास रहती थी और ऐसे वक्त में डिम्पल कपाड़िया उनकी बड़ी देखभाल करती थी। और राजेश को भी अपने अंतिम समय का आभास हो गया था। वे जानते थे कि उनकी कभी भी दुनिया से विदाई हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत बनवाई। और तब राजेश खन्ना ने डिम्पल की तरफ देखा और वसीयत के बारे में बताया तो डिम्पल ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो देना है अपने बच्चों को दे दीजिए। और राजेश ने भी ऐसा ही किया। अपने पूरे होशो आवाज़ में अपनी सारी जायदाद अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी। वहीं राजेश खन्ना बॉलीवुड के सुपरस्टार थे जिनके हर अंदाज पर फैंस जान छिड़कते थे। राजेश खन्ना को लोग प्यार से काका भी बुलाते थे। राजेश खन्ना अपने टाइम में लड़कियों के बीच काफ़ी पॉपुलर थे। लड़कियां राजेश खन्ना की गाड़ी की धूल से अपनी मांग सजा लिया करती थीं।